प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास किए गए अनुपूरक बजट में आदिवासी समाज के लिए मात्र 400 रुपए के प्रावधान को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी है। बुधवार को गुना के बीनागंज के माता शबरी आश्रम पर पहुंचे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को समुदाय ने 400 रुपए नकद देकर विरोध जताया। जयस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मंत्री को ये रुपए सौंपे, हालांकि इसे बाद मंत्री ने कहा कि पढ़ने में कोई गलतफहमी हुई है, ये 400 रुपए नहीं बल्कि 400 करोड़ रुपए। आप ये बताइए कि राघवगढ़ नगर पालिका से कितना पैसा किले के लिए जाता है हर महीने, इसको सार्वजनिक करिए, आप उसके बाद हमसे बात करिएगा। ये परिपाटी जो आपने अखबारों में दी है, ये परिपाटी आपके समय की है। आपके समय में जनता का पैसा इकट्ठा करके आप जब मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी को 10 जनपद में जाकर अटैची भर भर के देके आते थे आप, वही सपना आज आपको लगता है। मगर मैं आपको बताऊं, क्षेत्र की जनता सब जानती है कि ये शिवराज सिंह की सरकार है और महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत ग्रामीण मंत्री है, ना तो पैसा खाएंगे और ना खाने देंगे। आदिवासी समाज के लिए आपकी शासन द्वारा महज 400 रुपए देकर मजाक किया गया, मैं एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बजट से असंतुष्ट हूँ और शासन द्वारा दिए गए 400 रुपए को मैं आपको प्रदर्शित करता हूँ ताकि आप किसी अन्य कार्य में। क्या लिखा आपने? ये अभी जो बजट पेश हुआ उसमें आदिवासियों के लिए महज 400 रुपए, 400 नहीं है, 400 लेटर, 400 करोड़, 400 रुपए। तुमने गलत पढ़ लिया, मैं तो अगर 400 करोड़ है तो हम उसका स्वागत।